हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज है खरना, तो खरना का यहाँ पे तैयारी हो चुका है। तो सुबह का बज रहा है कितना, 9 बज गया होगा, क्योंकि मेरा जाने का टाइम हो गया था, ड्यूटी जाना था। तो हम सोचे थोड़ा बहुत आप लोग को अच्छे से दिखा दें। तो यहाँ पे लीप दिया गया है गोबर और मिट्टी से, ताकि थोड़ा सा शुद्धि हो जाए। शुद्धि होगा तो अच्छा रहता है जहाँ पर खाना बनेगा। और देखिए यहाँ पे लाइट का व्यवस्था हो रहा था, क्योंकि ना हम लोग जहाँ पे खाना बनाएंगे वहाँ पे ना रोशनी नहीं है, और छठ का खाना जो है रात में ही बनेगा अंधेरा में, तो वहाँ पे थोड़ा रोशनी तो चाहिए ही, नहीं तो कीड़ा मकोड़ा कहीं आ जाएगा। और देखिए दीदी भी थोड़ा ब्लॉग बना रही थी, सोची बना लेते हैं, छठ का टाइम है। और दीदी का कैमरा मैन को देख ही रहे होंगे, दीदी का लड़का है ये, तो पता नहीं क्यों नहीं कैमरा में आना चाहते, इतना दूर भागता है, क्यों क्यों भागता है पता नहीं। और वीडियो भी बनाएगा और भागेगा भी, गजब का लड़का है ये। बनाने के लिए बोलेंगे तो भागेगा। और साथ में ये भी बड़ी वाली भतीजी, ये भी बनाना नहीं चाहती, इसको बोलो तो अपना खाली रील्स बनाने के लिए मस्ती से बनाएगी, लेकिन व्लॉग बनाने के लिए नो, नेवर, नहीं बनाना है मुझे, मुझे परेशान मत करो, ये वगैरह वगैरह बोलती रहेगी। और यहाँ पे चूल्हा का पूजा करके खाना का भी तैयारी हो गया है, देखिए गाइस, तो काफ़ी अच्छा होता है ये खरना का प्रसाद। मेन होता है खीर और रोटी, काफ़ी अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, और पूजा का प्रसाद है तो अच्छा लगेगा ऑब्वियसली। और यहाँ देखिए मुझे काम मिला है क्या, नारियल काटने का। मुझे नारियल काटने के लिए बोली दीदी, बोली थोड़ा हेल्प कर दो, क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक सा नहीं लग रहा है। तो हम बोले ठीक है, थोड़ा बातचीत करते करते थोड़ा तुम्हारा मन भी ठीक हो जाएगा। तो करते करते बात करते करते थोड़ा बहुत काम कर दिए। उसके बाद देखिए नारियल काट रहे थे, नारियल काटने में तो होता ही है थोड़ा टाइम लग ही जाता है। पहले क्या सोचा कि कोर देते हैं, कोरेंगे तो क्या होगा कि इसमें थोड़ा बुरादा जैसा होने लगा, तो फिर कोरने से थोड़ा सा लगता है कि अच्छा लगता है खाने में, लेकिन इसमें क्या कि बुरादा बुरादा होने लगा, तो नारियल अच्छा नहीं लगता खीर में उतना अच्छा, जो मुँह पर आता है चबा के खाने में जो अच्छा लगता है वो उसमें नहीं लगता है, इसलिए सोचे काट के ही डाल दें। तो काट के डालते हैं, काटने में तो समय लगेगा ही, समय लग रहा था। उसके बाद देखिए दीदी का यहाँ पे चावल चढ़ाई थी, चावल का पानी गिर गया चूल्हा में, तो उसकी वजह से दिक्कत हो गया, फिर वो हटाई, फिर पानी वहाँ पे उबल रहा था क्योंकि चावल पकने ही वाला था, क्योंकि जल्दी जल्दी करना होता है। पिछले बार जैसे कि नहाई खाई में हुआ था, चूल्हा जलने में कितना टाइम लगा था गाइस, बहुत टाइम लगा था, क्योंकि गीला था लकड़ी सब, आज भी वही हाल है, लकड़ी सब गीला था, उसके वजह से टाइम लग गया आज भी। फिर धीरे धीरे करते करते दीदी अपना काम कर ही ली। चलिए महापर्व है छठी मैया का, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय छठी मैया। तो यहाँ पे देखिए रोटी भी बन रहा है, लकड़ी का रोटी तो क्या बताएं, क्या ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है लकड़ी का रोटी, हमको बहुत पसंद है लकड़ी में बना हुआ। उसके बाद बन के सारा कुछ, फिर पूजा का तैयारी होने लगा, छठी मैया को प्रसाद सारा चढ़ा। उसके बाद दीदी भी अपना पूजा वगैरह करके हम लोग को भी बोली कि तुम लोग भी आके प्रणाम कर लो, फिर हम लोग भी प्रणाम किए। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। लोग कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा, करिएगा, तभी हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। बाय।